मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार को ऑडिटोरियम हॉल में कहारा में सद्गुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संत संगठन के द्वारा आयोजित सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता, ऐसा कोई है दुनिया में? न पहले कभी था न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है, लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन तक के है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने को मिल जाए, उनका सुख उतना ही है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है। यदि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा कि सुख खत्म। तो मतलब साहब ठीक बोला हूं? अच्छा भोजन किए तो थोड़े देर के सुख, लेकिन मनुष्य केवल शरीर के सुख तक के सीमित नहीं है, उसका सुख का दायरा तो सुख और कहीं खोजता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या किसमें सुख ढूंढते हैं कि मैं 12वीं पास कर जाऊं, कॉलेज में चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा, सही बात है? फिर यदि कॉलेज पहुंच गए तो अच्छे से नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा, नौकरी मिल गई रोजगार मिल गया तो सोचते हैं कि घर गृहस्थी बस जाए तब सुख मिलेगा, घर गृहस्थी बस गए तो फिर परिवार बड़ा हो जाए, अंत में पहुंच जाता है शमशान घाट, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता, सुख ढूंढते ही रहता है। ऐसे समय में सुख कहां है? ये हमारे देश में हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत खोज किए, और जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान की धरा में आए उतना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जितना अपने हमारे हिंदुस्तान में। और इसी कारण से अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं आपको यहां मिलेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि महापुरुष या ईश्वर के अवतार ऊपर से गढ़ के नहीं आता, वो इस धरती में आते हैं और अपने समय के जो समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने आते हैं। तो महापुरुष यहां से पैदा होते हैं जो अपने समस्याओं को उत्तर देते हैं। जो प्रश्न हरिश्चंद्र के समय था वो प्रश्न राम के समय नहीं था, जो प्रश्न राम के समय था वो कृष्ण के समय नहीं था, जो प्रश्न कृष्ण के समय था वो शंकराचार्य के समय नहीं था, जो शंकराचार्य के समय प्रश्न था वो गोरखनाथ के पास नहीं था, गोरखनाथ के समय नहीं था, और जो गोरखनाथ के समय जो समय समस्या है आप देखेंगे, कबीर के समय जो समस्या है, गोरखनाथ के, रामानंद के समय, ये जो भक्ति काल के समय जो भक्ति का जो आंदोलन चला वो हमारे लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें कबीर है, रैदास है, दादू है, कितने ऐसे भक्ति काल के संत हुए, तुलसीदास जी, जो हमको नई दिशा दे गया। और ये जो भक्ति काल के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया, और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाया, बलिहारी गुरु आपनों गोविंद जो बताया।
ईश्वर के समक्ष भी खड़ा करने के साहस हमारे भक्ति का भक्ति आंदोलन के संतों में रहा है। लेकिन मूल समस्या तो वही सुख है, जहां से मैंने शुरू की। तो यदि आप सीमित चीजों में आप सुख खोजेंगे तो आपको सीमित समय के लिए सुख मिलेगा, और जब असीमित चीज से वस्तु से आप सुख खोजेंगे तो आपको सुख असीमित मिलेगा। और ये काम, और दूसरी बात, हमारी जो समस्या है वो दो प्रकार की है।